चलिए बनाते हैं कद्दू आलू सब्जी बंगाली स्टाइल में। ये एक वीगन रेसिपी है जिसमें काले चने और बहुत ही कम मसाले पड़ते हैं। इस टेस्टी सब्जी को पूरी पराठे के साथ खाकर देखिए। कुमरो आलू छक्का सभी पसंद करते हैं। इजी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए नए दर्शक सब्सक्राइब करें। हेलो एंड वेलकम टू माय किचन। तेल को टेम्पर करने के लिए एक छोटी चम्मच पाँचफोरन, एक लाल मिर्च सूखी हुई और एक तेज पत्ता। एक छोटी कटोरी में डेढ़ छोटी चम्मच जीरा पाउडर ले लेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच हींग पाउडर। इसमें हम डालेंगे पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख लेंगे। करीब 500 ग्राम लाल कद्दू को मैंने काट लिया है डाइस करके। जितना लाल हो कद्दू उतना ही अच्छा है इस डिश के लिए। दो बड़े आलू को भी मैंने डाइस कर लिया है छिलका निकाल के। हरी मिर्च स्वाद अनुसार, एक तिहाई कप भीगे हुए काले चने, एक छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबलस्पून थिक कोकोनट मिल्क मैंने ले लिया है, ये ऑप्शनल है, 3 टेबलस्पून सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे पहले और इसमें डालेंगे 5 फोरन, तेज पत्ता और लाल मिर्च। जैसे ही 5 फोरन चटक जाए इसमें आलू डालेंगे। आलू को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आलू को हम थोड़े ज़्यादा देर पकाएंगे। आलू को 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से चला लेना है। इसमें डालेंगे ज़रा सा नमक। और काले चने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढक के हम 3 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम हीट पे। आलू हल्का हल्का सा पकने लग गया है और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे अच्छे से पका लेंगे धीमे आंच पे जब तक अदरक का कच्चापन ना निकल जाए। और अब डालेंगे मिक्स किया हुआ मसाला। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ना तेल छूटने लगे। ये तेल छोड़ने लग गया है, अब डाल देंगे इसमें हमारे कद्दू। कद्दू को मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक खुले आंच पे पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, ध्यान रहे पहले भी डाला था, 1 छोटी चम्मच चीनी, ये ऑप्शनल है पर बंगाली रेसिपीज में चीनी थोड़ी सी हल्की सी डाली जाती है। अब वापस से ढक के मीडियम आंच पे हम इसे पकाएंगे। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, चलिए एक बार चेक करते हैं। सब्जी ने पानी छोड़ दिया है। इस वक्त मैं इसमें ये नारियल का दूध डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। कमेंट में आपका फीडबैक भेजिए और रेसिपी पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जैसे ही उबाल आ जाए हीट को मीडियम करेंगे और इसे ढक के पकाएंगे जब तक कि ना कद्दू बिल्कुल गलने लगे। काफ़ी देर हो चुका है, मैंने बीच में एक बार हिला लिया था, ये और ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। और ये देखिए
कद्दू बिल्कुल गलने लग गया है। ये देखो, मैं सब्जी के अंदर जो पानी है उसी से पकाते हैं। आलू भी गल गया है, तो जो हल्का सा पानी इसमें बचा हुआ है इसे हम सुखा लेंगे आँच को तेज करके। काफ़ी सारा पानी सूख गया है, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए चलाया था, पर अब ज़्यादा नहीं चलाएंगे। डालेंगे हरी मिर्च, आप चाहें तो इसे काट के भी डाल सकते हैं, और ज़रा सा गरम मसाला हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप इसे एक चम्मच घी भी डाल सकते हैं। मैं इसे वीगन रेसिपी रख रही हूँ इसलिए घी नहीं डालूँगी। बस ढक के आँच को बंद कर दें और 2 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। लाजवाब खुशबू आ रही है। कद्दू और आलू की ये अनोखी सब्जी पूरी या पराठे के साथ सर्व कीजिए एंड एन्जॉय।